नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोहित्रा। वैसे तो कहा जाता है कि गांधी जी का सत्याग्रह का हथियार सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार से बड़े बड़ों के पसीने पहले भी छूटे हैं और अब भी यदा कदा कहीं कहीं लोगों के और सत्ता का नशा उतर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के उपनिवेश हांगकांग की, जहाँ पर एक विवादित कानून को लेकर पिछले अप्रैल से लोग सड़कों पर हैं और इसका रिजल्ट अब आ गया है। चीन की सरकार ने हांगकांग से अपना विवादित कानून हटाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा खुद हांगकांग की नेता और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने ये कहकर किया है कि वो विवादित प्रत्यर्पण बिल को वापस लेने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस विवादित बिल में, जिसमें आपराधिक मामलों के अपराधियों को चीन को प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था, इस बिल पर भारी विरोध का सामना कर रही लाल सरकार ने जून में रोक लगाई थी, लेकिन अधिकारी लैम ने इसे पूरी तरह से हटाने से इनकार कर दिया था, जबकि प्रदर्शनकारी इस बिल को पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे थे। ये लोग हांगकांग में पूर्ण लोकतंत्र की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि कैरी लैम ने एक रिकॉर्डेड संदेश के जरिए इस बिल को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बिल को औपचारिक तौर पर वापस लेने के लिए तैयार है। लैम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग की जनता को हैरान परेशान कर दिया और प्रदर्शन में जिस तरह से हिंसा हो रही थी, उससे हांगकांग एक बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को सरकार के फैसले से किस तरह की असहमतियां हैं, लेकिन किसी भी समस्या को हल करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। फिलहाल हमारे लिए इस हिंसा को रोकना सबसे प्रथम प्राथमिकता थी। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कायम करना भी बेहद जरूरी था। लैम ने आगे कहा कि वो अपने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हांगकांग के लोगों से मिलने जाएंगी और उनकी चिंताओं को सुनेंगी। वहीं एक बात बताते चले कि प्रदर्शनकारी कानून को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करके बुरी तरह से उन्हें पीटा गया। इस घोषणा से पहले सोमवार को कैरी लैम का एक ऑडियो लीक हो गया था, जिसमें वो काफी दुखी आवाज में अपने इस्तीफे की बात कर रही थी। इस ऑडियो में लैम हांगकांग के हालात के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब इस बिल को वापस हटाने की घोषणा होने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस फैसले से सब कुछ तो शांत नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के मन में जो शंकाएं हैं वो जरूर दूर हो जाएंगी। लोग अलग अलग वजहों से सड़क पर उतरे हैं। लोकतंत्र की मांग करने वाले कार्यकर्ता जोशुआ वोंग ने कहा है कि बिल को वापस लेना बहुत ही देर से लिया गया छोटा कदम है। वहीं मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बिल वापस लेने के फैसले की तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया उसकी जांच की मांग भी की। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक फैक्ट बताते चले कि हांगकांग पर 150 साल से अधिक समय तक ब्रिटेन राज रहा है। उसके बाद साल 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंप दिया। हांगकांग को चीन की एक देश दो प्रणालियां वाली व्यवस्था के तहत अर्ध स्वायत्तता मिली है।